थेल्स ने, आप बोलिएगा थेल्स क्यों? तो याद है जो एक यादव आपसे आवाज़ सर बहुत कट रहा है सर, आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है सर। बहुत नेटवर्क इशू है, कुछ इंस्टिट्यूट करने के बाद बहुत ज्यादा नेट। अभी आ रहा है क्या? जी अभी सर, आ अभी रहा क्लियर है? होता। जी सर, जी सर। तो बोल रहे थे कि इसमें क्वेश्चन है कि सर तो आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा है कि नहीं? तो आंसर है खेल्स में। अभी आवाज मिल रही है आप सभी को? जी सर, यस सर। हाँ, तो आंसर भी है थेल्स। तो मेरा कहना था कि आप सभी को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जब शुरू में पढ़ा रहे थे तो याद होगा कि हम लोग आप लोग को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बताए थे शुरुआती दौर में, ठीक है? सर, तो उसमें क्या बताता है कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खोज किए थे, इसीलिए थेल्स का यहाँ पर नाम बताया जा रहा है। अब उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं एक्चुअल में, हम इलेक्ट्रिसिटी से रियल में खोज वो समझते हैं जो किया था, लेकिन शुरुआती खोज इनने किया था इसलिए इन्हें बता रहा है। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग ऐसे चल विद्युत का खोज बोलिएगा तो वहाँ डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का अगर बोल लेगा तो वहाँ है यहाँ पर कि मतलब चल विद्युत है या अचल, सिर्फ बोल रहा है विद्युत की खोज। तो विद्युत के खोज के दृष्टिकोण से थेल्स ही सबसे पहले किया। सबको क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। चलिए, तो ऐसे करके जो अभी एक क्वेश्चन आप पर है जो फिर से क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा को ना तो न्यूट्रॉन शायद नेटवर्क आपका तो नहीं आ पा रहा, या मेरा ही कुछ आप प्रॉब्लम बहुत फंस रहा है सर, आवाज कभी सही एकदम क्लियर सर आता है उसका। कुछ भी समझ में सही में नहीं आ रहा है सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा रुको, क्या बोल रहा है। हम एक बार जोड़ने से वो अच्छा, अब वाईफाई से जुड़ता है, अब शायद आवाज आ रहा होगा क्या? यस सर, आ अभी रहा है? क्लियर हेलो, है। क्लास पहुंच रहे हैं आप? यस सर, अब क्लियर आवाज है सर। देखिए अब सही रहता है। जैसे क्वेश्चन बोल रहे थे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऐसे मतलब जो हम लोग वर्ड यूज किया गया था या ये नियम है तो किस नियम के अनुसार है? न्यूटन का द्वितीय नियम, आइंस्टीन का ऊर्जा नियम, विद्युत ऊर्जा नियम और डी में है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो किस नियम के तहत हम ये लोग बोलते हैं ऐसा?
ऊर्जा संरक्षण का नियम सर। ऊर्जा संरक्षण के नियम के तहत में हम लोग, ठीक है, जिसमें बोलता है कि ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, तो हम लोग रियल में करते क्या है सर, वो परिवर्तित बताइए। करते हैं सर उसका, मतलब क्या जो उसका गुण है उसको परिवर्तित करते हो जो ऊर्जा का। दूसरे रूप में परिवर्तन चेंज करते हैं, कन्वर्शन करते जी हैं, सर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज करते हैं, है ना। जैसे अपना इलेक्ट्रिकल में ही लीजिए, इलेक्ट्रिकल में ही क्या करते हैं कि मान लीजिए मोटर चलाना है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है कि नहीं। उसी प्रकार जब अगर मान लीजिए वही मोटर को अगर किसी जनरेटर के साथ जोड़ देते हैं तो मैकेनिकल पावर देकर के इलेक्ट्रिकल पावर लेने लगते, तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से आप देख रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं, फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, क्लियर है ना। जो कि ये सब काफी पहले हम आप सभी को बताए हैं, यस सर, एक रिवीजन के तहत में फिर से हम लोग डिस्कस कर लें। अभी तो आवाज सही होना चाहिए, यस सर, अभी आवाज सही आ रहा है सर। सौरभ कुमार। हाँ सर, आ रहा है, आवाज ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहा है। यस सर, आवाज क्लियर है सर। दुर्घटना तीसरे क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। दुर्घटना का कारण जिसमें से क्या हो सकता है, जैसे ए ऑप्शन में खतरे के प्रति सजग होना, तब सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना। कार्य के प्रति गंभीर ना होना, या उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। इसमें से तो आप सबको कौन सा आंसर सही लगता है? सभी होगा सर, उपरोक्त सभी सभी, होगा डी सर, नंबर हम सभी इस ऑप्शन के अंतर्गत सभी दिए हुए हैं, सब लागू होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि अगर हम लोग कोई कार्य के प्रति सजग नहीं रहेंगे तब भी दुर्घटना होगी, सुरक्षा के प्रति लापरवाह रहेंगे तब भी हो सकता है, और अगर कार्य के जिस कार्य को कर रहे हैं उसके प्रति अगर गंभीर नहीं रहेंगे तब भी होगा। इसलिए इन में जो जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी कारण हो सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है ना। सभी ऐसा है जो कि कारण बन सकते हैं दुर्घटना। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन को। सामान्यतः किस वोल्टेज से अधिक पर विद्युत झटका लगता है? 10 वोल्ट, 90 सर, 30 वोल्ट, 90 वोल्ट या 230 वोल्ट? कितना से ऊपर हम लोग अगर वोल्टेज हमारे शरीर से अगर
हेलो सर का शायद मतलब कट सर, गया, शायद नहीं हो। हमको लगा मेरा ही कहीं नेटवर्क नेटवर्क बहुत नहीं चला स्लो गया। है। सर लेफ्ट हो गया ना, नेटवर्क इशू से आ कट जाएंगे सकते थोड़ा क्योंकि सा। आज मेरा भी बहुत इशू है। मौसम भी इधर बहुत खराब। गोड्डा में बारिश दे रहा है सौरभ। आज का क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या? हेलो, बारिश हो। अगर हो रहा है तो क्या करेंगे, नेटवर्क नहीं है क्या तो बार हम बार रिकॉर्ड शांति करेंगे। बनाए रखो सर, आ रहे हैं। हाँ हेलो, सर, आ अरे रहा नीलेश स्क्रीन पर क्या हेलो। विक्की? यस सर, यस हेलो सर, विक्की? यस सर। अरे आवाज तो ये जी सर का अभी तक खैर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं आवाज कर रहे हैं, कुछ देर पहले हो रहा था प्रेजेंट। नहीं सर, अभी कुछ देर पहले तो लीव हो गए थे शायद आप सब, नेटवर्क किसी हेलो कारण। हेलो आवाज जा रही है सर मेरा? आ रही है, हाँ आ रहा है। आ रही है आवाज। अच्छा, आप जैसे फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, चालू विद्युत लाइन में आग लगने पर बुझाना चाहिए। चालू विद्युत लाइन मतलब क्या समझ रहे हैं? जिस मतलब की सप्लाई है, तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं आग लग जाए तो किससे बुझाना चाहिए? पानी से, सीटीसी से, मिट्टी से, तेल से, फायर से, किससे करना चाहिए? सीटीसी से, सीटी कार्बन टेट्राक्लोराइड से, सीटीसी से। हाँ, हम लोग
हम लोग सीखे सी थे टी कि सी सबसे कार्बन बेस्ट टेट। दो संबंधित अगर कोई आग लग जाए सीटीसी प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि सबसे उचित है आपका अग्निशामक जो प्रयोग कर। सामान्य प्रकार का है और सीटीसी अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है तब हम लोग देखते हैं कि फायर स्थान की जगह पर आपका बालू मिट्टी ये सब रखा रहता है, तो उस देखते हैं कि उसमें से क्या है, अगर सीटी से वहां नहीं है तब ऐसे तो रखना ही रखना है सीटी से, तो मिट्टी या बालू का तब प्रयोग करेंगे। हाल की स्थिति को भी देखना है हम लोग। अब आते हैं अर्थ को संयोजित करना चाहिए, अर्थ मतलब कि अर्थ वायर या अर्थिंग का वायर जो है उसको संयोजित करना चाहिए, तो मेन लाइन से कर देना चाहिए, उपकरण की बॉडी से करना चाहिए, फेज के साथ करना चाहिए या उपरोक्त सभी के साथ कर देना चाहिए। किसके साथ अर्थ को कनेक्ट करना चाहिए? बॉडी के साथ सर, जो उपकरण के बॉडी के साथ बॉडी के करना साथ। चाहिए सर। कोई भी मेटलिक बॉडी वाले उपकरण अगर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ अर्थिंग अवश्य करते हैं। खास करके अभी हम लोग कंप्यूटर युग में हैं तो देखते होंगे कि कंप्यूटर के कैबिनेट से भी आपको झट मार देता है, अगर मेटल का है तो ज्यादातर तो मेटल बॉडी ही रहते हैं, तो ये अर्थिंग जरूरी है खास करके इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रिज से भी देखते होंगे, फ्रिज में भी आपको झटका मारता है, ये सब हम लोग घरेलू उपकरण जितने भी, तो इसलिए सबका जब अवश्य रूप से अर्थिंग करना चाहिए। अर्थिंग घर में बनाइए, दो तरह का अर्थिंग आप सभी को बताया गया है, कौन कौन सा दिनेश कुमार बता सकते हैं कि कौन कौन सा अर्थिंग आपको बताया गया है? अर्थिंग सर, आवाज पहुंच रहा है जी? दिनेश कुमार, कौन कौन सा अर्थिंग बताया गया आपको? जी सर, क्वेश्चन पूछ अगर उनके तक आवाज नहीं पहुंच रहा है तो दूसरे कोई व्यक्ति और बताइए। पाइप अर्थिंग सर और प्लेट अर्थिंग सर। अरे पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग सर। उनके तक अगर आवाज नहीं पहुंच रही है तो और भी बताएंगे। गुड, पाइप हाँ अर्थिंग सर, मैंने और पाइप प्लेट अर्थिंग और अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। जिसमें से आप लोग पाइप अर्थिंग अपने संस्था में किए भी हैं, तो सस्ता और सुलभ होता है पाइप अर्थिंग प्लेट अर्थिंग की तुलना में, तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा जगह पर देखेंगे कि पाइप अर्थिंग करते हैं। कैसे करते हैं आप किए भी हैं इसलिए जानते हैं, तो इस क्वेश्चन से ये आपको समझना है कि कहीं भी मेटलिक बॉडी वाला उपकरण यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्विच बोर्ड हो उसके बाद उपकरण हो, तो आपको बॉडी अर्थ अवश्य कर देना है, जिससे मनुष्य का सुरक्षा प्रदान होता रहे हमेशा, है कि नहीं? तो कभी कभी कारण आप लोग से पूछा जाता है क्यों करते हैं? सुरक्षा तो होता ही है, साथ ही साथ में माने अगर अधिक जो उससे शॉर्ट सर्किट या कोई अवस्था आ जाए तो वो करंट जो एक्सेस है वो चला जाता है ग्राउंडेड यानी भूमि के अंदर, तो भूमि के अंदर चला जाता है तो आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है शरीर पर, हल्का सा झटका मारता है, नहीं तो ज्यादा आप ही को माध्यम बना करके झटका मारता है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। फ्यूज वायर बदलने के पूर्व मेन स्विच का खाली स्थान दिया है कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, चालू करना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्या करना चाहिए? मेन स्विच को
ऑन कर देना चाहिए कि ऑफ कर देना चाहिए? कोई फ्यूज अगर बदलते हैं, कहीं फ्यूज उड़ गया है और आपको बदलना बहुत आवश्यक है तो सर्किट ब्रेक रहेगा, तो क्या करेंगे मेन स्विच को? बंद करेंगे बंद कर देंगे, मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, उसके बाद आप आराम से स्विच ऑफ कर दिए, फ्यूज बदल दीजिए, उसके बाद में फिर से बदलने के बाद स्विच को ऑन कर दीजिए और सर्किट को चेक करिए, कम विद्युत धारा सप्लाई अगर चलने लगा तो आपका फ्यूज सही लगाए, ठीक है? चलिए उसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिपथ में फेज वायर संयोजित करना चाहिए किस से? स्विच से, अर्थ से, उपकरण से, या इनमें से कोई नहीं? किससे करना चाहिए परिपथ में जो फेज वायर जो कनेक्ट करते हैं वो, तो किससे करना चाहिए? स्विच से रिप्लाई दीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी, क्वेश्चन दिख रहे हैं कि नहीं आप सभी? यस सर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, आप तो दिखाई दे रहा है तो पढ़ करके उसके बाद वो है तो आपको प्रयास करिए। परिवार को किस से कनेक्ट करते हैं? स्विच में सर। न्यूट्रल से, स्विच से, अर्थ से, किसी उपकरण से या किसी से भी नहीं? स्विच है। स्विच से सर। स्विच से सर, स्विच से सर, कंट्रोल करने के लिए स्विच से करते हैं। फेज वायर को हम लोग स्विच से कंट्रोल करते हैं ना। स्विच से करते हैं तो इजी वे में हम लोग ऑन ऑफ कर पाते हैं। जब जरूरत है आपका तो सर्किट को ऑन कर दीजिए और जब जरूरत नहीं है तो सर्किट को ऑफ कर दीजिए, तो ये आप स्विच होने से सुविधा हो गया, नहीं तो आपका वहाँ पर स्वतंत्रता ये नहीं रहता। लाइन जब तक है तो सर्किट ऑन है अपने आप, और अगर लाइन है भी और आप ऑन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, स्विच है तो कंट्रोल कर पा रहे हैं आराम से। ये चीज आपको पढ़ाने के समय में भी बताए थे तो अवश्य रूप से आप लोग बहुत ध्यान दिए भी हैं। अब सुरक्षा गुणांक का मान रखा जाता है न्यूनतम उच्चतम शक्ति गुणांक के बराबर या वन एक इकाई रखा जाता है, कैसा सुरक्षा गुणांक रखना चाहिए? कहने का तात्पर्य यह है कि खास करके विद्युत संबंधी कोई भी उपकरण या और भी कोई भी चीज यूज करे, खास करके विद्युत से रिलेटेड, तो आप उसका स्टैंडर्ड कैसा रखना चाहिए? उच्च क्वालिटी का रखना चाहिए ना, निम्न क्वालिटी का रखने से हम लोग दुर्घटना होने की संभावना रहती है ना। उच्च क्वालिटी के अगर रखते हैं तो दुर्घटना बहुत कम रहती है, नहीं है मान लीजिए नहीं रहता, ऐसे कभी बाय चांस हो गया वो अलग मैटर है, लेकिन नहीं रहता। नेटवर्क सेट इशू लग रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रहा सर, बहुत खराब नेटवर्क है सर, आवाज बहुत कट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका स्पीकर दिख रहा है सर, लेकिन कुछ आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं पहुंच रहा सर। हम लोग आपका आवाज सर बिल्कुल सर समझ में नहीं आ रहा कुछ। हेलो बोल रहे सर, आपका आवाज सर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है सर, एक जरा भी नहीं आ रहा है। हेलो क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा सर, क्या फायदा आज क्लास नहीं आता था, नेटवर्क सही नहीं है, फालतू का डाटा बर्बाद हो रहा सब। आज नेटवर्क का बहुत इशू है। हेलो सर, रुको हम अपना नेटवर्क लगाते हैं, यहाँ का वाईफाई भी कुछ। नहीं सही है तो आप साथ पर जाते जी सर, अभी कुछ सही आ रहा है सर आपका, लेकिन फिर भी कट कट जा रहा है। सर अपना डाटा ऑन कर दीजिए सर, आप आवाज कट कर जा रही है सर। आवाज पहुंच रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अभी हल्का फुल्का कट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा सर। अगर आपको आवाज जा रहा है तो सर आज का क्लास सस्पेंड कर दीजिए आप सर, क्योंकि सब जगह बारिश हो रहा है, नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सर। आवाज जा रहा है नील जी सर, हमको तो आ रहा है सर, हल्का फुल्का कट कट जा रहा फिर भी। हाँ सर आ रहा सर, अभी आ रहा क्लियर आता है जी सर, जी सर आ रहा।
फिर से रिप्लाई करिए तो, कोई का अगर आवाज आ रहा है तो आता है कि नहीं। हाँ सर थोड़ा कट कट के, मतलब अभी अब आ रहा है कुछ, सही है कट कट के आ रहा है। अब आ गया तीन तल्ला पर भी, अभी भी नहीं आएगा तो हम क्या करें। अब वही उसका हाई फाई वाई फाई सब छोड़ दिए, अब अपना नेटवर्क से भी सोच रहे हैं कैसे पहुंचे। और इसी में बोला जाता है कि क्लास रिकॉर्ड किए घूमने में, तो ये करेंगे कैसे हो, कैसे जो करना है किया जाए। तो हम बोल रहे थे कि श्रेणी बी यानी अग्नि को बुझाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या होगा, जैसे पानी से, रेत से, शुष्क चूर्ण से, यंत्र से। किससे उचित रहेगा, क्लास फिर आवाज सर कभी कट के आता है कभी नहीं आता, आधा बात सुनाई देता आधा रुक देता। कह रहे कि क्लास बी श्रेणी का जो मान लीजिए पदार्थ है तो वो कौन सा है, जानिएगा तब तो वैसा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करिएगा। हाँ सर, तो जनरली आप देखिएगा लिक्विफाइड गैस फिर तेल यही सब ना है बी श्रेणी में, तो जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार आप लोग जो ड्राई टाइप का पाउडर वाला यंत्र है ना अग्निशामक यंत्र वो ही प्रयोग करना इस ऑप्शन के अनुसार सही है, नहीं तो आपको फिर बोलेगा कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म टाइप का अगर रहता तो उसको भी कर, ठीक है। आगे बढ़ पेट्रोल लगने वाला किस स्क्रीन नहीं दिखता, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब देखा सर, अब देखा, फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाई दिया था सर, फिर से प्रेजेंट करते हैं, अब दिखाई दिया। हाँ सर अब दिख रहा, पहले रुक गया। चलिए पढ़ के बताइए तो आप ही, अगर दिखाई दे रहा है तो। जल पेट्रोल से लगने वाली आग किस श्रेणी में होते हैं, ये थोड़ा नीचे कीजिए सर, वो डीजल है। हाँ डीजल, डीजल पेट्रोल से लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है, ठीक है। तो श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी या श्रेणी डी, किस श्रेणी में आती है डीजल पेट्रोल से संबंधित जो है। बी श्रेणी में आएगा, जैसे अभी जस्ट चर्चा कर रहे तो उसी का ना श्रेणी बी का है जी सर, तो उसी के अंतर्गत में आएगा डीजल पेट्रोल ये सब। तो हम बता मारते लेकिन नहीं है प्रयोग करे क्योंकि वो, ठीक है समझ में आ रही है ना बात। शर्त कोई आई एस आई देखिए आतंकवादी संगठन भी है तो वो नहीं समझना है। हम लोग ISI का सिंबल रहता है आप देखिएगा उसमें, सभी जो अच्छे क्वालिटी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहेगा उसमें ISI सिंबल रहेगा लोगो,
और साथ ही साथ उसको समझना है कि वो लोगो आखिर उस प्रोडक्ट पर लगा तो क्यों, क्योंकि जो वैद्युतिक मापदंड अपनाना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिस क्वालिटी वो अगर वो पूरा कर रहा है तभी उस पर वो ISI मार्क लगेगा, माने कंपनी रजिस्टर्ड हो जाता है अच्छा प्रोडक्ट अगर बनाता है। जैसे आप कभी कभी पंखा स्विच ऐसा लेने जाइएगा तो देखिएगा कि ISI का वहाँ सिंबल लगा हुआ है, माने वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो ISI का फुल फॉर्म पूछता है आप लोग से, तो फुल फॉर्म मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म ये वाला जो है वही है, ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूट, ये सब कोई नहीं रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। समझ में आ गया बात ना? चलिए इसके आगे अब बढ़ते हम लोग। यस सर। चौथा हो गया। देखिए अब बोल रहा है कि ISI के आधार पर भारत में खाली स्थान है, वर्ष में मानकों का निर्धारण प्रारंभ किया। ये जो अभी ISI का चर्चा कर रहे हैं ना, वो पूछ रहा है कि कौन सा साल में हम लोग उसको अपनाए थे, माने वो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो बना, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, वो किस वर्ष बना। तो है कि 1979, 1969, 1959 और 1990। तो 1969 में ये बन गया था, मतलब कि 1969 ईस्वी में आपका ये स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बन गया था, जो कि भारत में सभी वैद्युतिक प्रोडक्टों का एक स्टैंडर्डाइज मापदंड जो है उसको देख रेख करता है, जो सही प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है कि नहीं उस कंपनी से। तो आपका कुछ अच्छे अच्छे कंपनी आप लोग जानते भी हैं, जैसे अभी वर्तमान में हैवेल्स का खूब नाम है, बजाज हो गया, क्रैप्टन स्क्रिप्स हो गया, L&T हो गया, इस तरह से उषा के क्षेत्र में देखिए उषा ओरिएंटेशन सुनते हैं आप, ये सब बहुत माने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है। अगर उस कंपनी का आप लेते और लंबा चलता भी है, जितना भी आपका वो गारंटी वारंटी देता है। चलिए उसके आगे आप बढ़ा जाए। अब है विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से काट देना चाहिए, पीड़िता को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, ठीक है, या उपरोक्त में से एक भी विधि नहीं अपनाना चाहिए। सबसे उचित क्या रहेगा? सबसे उचित मेन स्विच को ऑफ कर देना, ऑफ कर दे, काट दे, ऑफ कर दीजिए। सबसे अच्छा उपाय वही है, संभव है तो। अगर मैं भी मेन स्विच नियरेस्ट नहीं है तब हम लोग को अपने आप को पहले इंसुलेट कर लेना है, माने अचालक बना लेना है, कोई ऐसे सूखा कपड़ा और डंडा वगैरह लेकर उसको अलग करना है, हटाना है, उसको बहुत लोग लाठी डंडा से पीटने लगता है, उसको बचाने के बजाय सब लोग मारने ही लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे पहले कोशिश करना है कि मेन को हटा दीजिए, ऑफ कर दीजिए। फिर है विद्युत झटके से सुरक्षा हेतु तार को सदैव स्विच द्वारा निश्चित करना चाहिए। तो इसमें क्या है, स्विच से नियंत्रित करना चाहिए, पहले भी हम लोग आए हैं
फेज को नियंत्रित करना है कि नहीं? फेज को हम लोग अगर फिर तार को स्विच से अगर नियंत्रित कर देंगे तो सारा मामला आपके हाथ में कंट्रोलिंग। चलिए और दो चार क्वेश्चन हम अब है। किसी मेन लीड को सॉकेट से पृथक कर आली को पकड़ कर व्यक्ति को देखिएगा दूरे से आलसी टाइप का कुछ कुछ व्यक्ति है तो दूरे से तार से ही केबल से खींच देंगे तो ऐसे में तो स्पार्किंग भी होगा, आग लगने का चांसेस ज्यादा। अब है ISO का संस्करण पूछ रहा है, यानी एक तरह से फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे कि ISO का फुल फॉर्म क्या होगा। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्डर, इंडियन सिस्टम ऑर्डर, क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल ISO का, हाँ गुड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी देखिए आपको कुछ ऐसा उदाहरण भी बता रहे हैं, मान लीजिए हम लोग के क्षेत्र में, आप लोग का तो उम्र में तो ज्यादातर किलो ग्राम यही सब हमेशा प्रयोग किए हैं, सेरा ये सब शेर ये सब कब नहीं सुने होंगे। हाँ नहीं तो सुने हैं, हाँ सुने हैं, प्रयोग नहीं किए। जैसे पांच किलो कोई वजन लेने जाइएगा तो बोलेगा एक शेर हो गया है ना। फिर मन ये सब का बात सुनिएगा, भरी का बात सुनिएगा। जैसे सोना लेने जाइएगा तो बोलिएगा एक भरी है सर। हेलो क्या नेटवर्क आपका इसमें या मेरा शायद आवाज नहीं आ रही या मेरा ही कुछ प्रॉब्लम है सर, क्योंकि हम भाई आप देखो छत पर आ गए। हाँ क्योंकि यही का इशू हो सकता है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में नेटवर्क प्रॉब्लम है ये हम मानते हैं। अपना नेटवर्क भी सही नहीं काम करता है ना इंस्टीट्यूट का, तो सबसे बेस्ट घर से ही हमेशा रहता है, लेकिन अभी अब ड्यूटी मिला है तो क्या करिए, यहाँ से ही करना है। चलिए ठीक है, जैसा भी है। तो ये समझाने के प्रयास हम कर रहे थे कि वो जो इंटरनेशनल हम लोग मापदंड अपना है कि अगर 10 ग्राम सोना लेना है चाहे इंडिया में लीजिए या विश्व के कोई कोने में, सब जगह तौल आपका बराबर है, वजन बराबर है। उसी तरह केजी हम लोग किए, क्विंटल किए, सब स्टैंडर्डाइज किए, जो कि किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज में एक उदाहरण दिए। अब हम लोग आते हैं इसके बाद में, कारीगर को 9001 यानी 9001 नियम के अनुसार इस ऊंचाई पर कार्य करते समय सुरक्षा पट्टे यानी सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। 3 मीटर, 2 से 5 मीटर, 1 से 8 मीटर या 0 से 5 मीटर,
माने अगर कितना ऊंचाई पर हम काम करने लगे तो आपको कम से कम सेफ्टी बेल्ट लगाना ही है, बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए हुए इतना ऊंचाई पर करने ही नहीं चाहिए। तो एक अगर 8 मीटर का हाइट मान लो हम लोग कहीं काम कर रहे हैं तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा सेफ्टी बेल्ट। बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए 8 मीटर के हाथ आसपास के हाइट में करना है, 8 मीटर समझना, फीट नहीं समझना, ठीक है? तो 1 मीटर में लगभग कितना फीट हो जाता है? 3। तो उसी तरह से आप 24 फीट लगभग हो जाएगा आपका, 24 फीट माने करीब करीब 2 तल्ला पर आप काम कर रहे हैं, हाँ? 10-10 फीट का एवरेज हाइट रहता है ना एक तल्ला से, 10 से 11 से, वही करीब करीब 2 तल्ला के हाइट के आसपास आप काम कर। तो इतना हाइट में आपको सेफ्टी बेल्ट लगा के ही काम करना है। आप देखते ही होंगे ज्यादातर जो टावर पर हम लोग काम करते देखे हैं, इंस्टीट्यूट के आसपास टावर लग रहे थे, टावर यानी जो टावर के द्वारा सप्लाई लाइन का व्यवस्था ट्रांसमिशन का हो रहा था, तो देखिए कारीगर थे वो सेफ्टी बेल्ट लगा के ही काम कर रहे थे, क्योंकि टावर की हाइट भी अच्छी खासी है। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस की इकाई होती है क्या, ओम होता है, ओम मीटर होता है, महो, साइमन, कौन सा होता है रेजिस्टेंस का इकाई? ओम होता है रेजिस्टेंस का इकाई। फिर हाँ गुड। इलेक्ट्रिक करंट की चाल होती है 3×10⁻¹ प्रति मिनट, 3×10⁸ मीटर प्रति मिनट, या 3×10⁸ मीटर प्रति मिनट, और 3×10⁷ प्रति मिनट, कौन सा होना चाहिए? 3×10 इलेक्ट्रिक करंट की चाल, 3×10⁹ मीटर पर सेकंड, 8 यहाँ पर होना चाहिए सेकेंड है कि नहीं, मीटर प्रति सेकेंड, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पर मीटर प्रति सेकेंड वहां पर माननीय है। चलिए ठीक है। अब है पदार्थों का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है कहलाता है, चालकता कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाएगा, और अचालकता या विभवांतर। इसका इंग्लिश मान लीजिए चालकता यानी कंडक्टेंस, प्रतिरोधकता यानी को रेजिस्टेंस, और अचालकता यानी इंसुलेशन, और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होना चाहिए अगर उसमें आपको विद्युत धारा का यानी करंट के मार्ग में वो रुकावट नहीं डाल रहा है, सुगमता प्रदान कर, क्या होना चाहिए? चालकता सर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर आप इनमें से बताइए कोई भी, जैसे हम लोग चालक वायर वगैरह सब कंडक्टर प्रयोग करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसमें दिया हुआ उसका
देखते हुए बताइए कौन सा सही हो। प्रतिरोधकता को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। किस पदार्थ का वो बना है उस पर डिपेंड करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर। ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर तो करता ही करता है, लेकिन सबसे बना है उसका तो मतलब आपको प्रतिरोधकता को ध्यान में रखते हुए इस अच्छा है खराब है सब देखते हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, शक्ति यानी पावर, चालकता यानी कंडक्टेंस, ऊर्जा यानी एनर्जी और आवेश यानी चार्ज। तो आपका जो चार्ज का इकाई है एम्पियर सेकेंड। फिर है निम्न में से कौन सा वाट के बराबर नहीं है, जूल प्रति सेकेंड, एम्पियर वोल्ट, एम्पियर गुना वोल्ट। फिर है एम्पियर इंटू टू इंटू ओम। तो एम्पियर प्रति वोल्ट जो है ना वाट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे फिर प्रयास किया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह आप लोग और भी अपने से जो स्टडी कर रहे हैं करते रहिए, और रुकिएगा थोड़ा सा, अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस भी ले लेते हैं, काफी कम बच्चे जुड़े हैं। कुछ निकल भी गए हैं क्या इसमें से? चंदन शायद निकल गया सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आप लेफ्ट हो सकते हैं आप सब लोग, टाइम भी हो गया, नेटवर्क काफी प्रॉब्लम है।